हाँ जी बेटा, तो आज हम डिस्कस आउट कर रहे हैं बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे हिंदी में भुगतान शेष या व्यापार शेष इसके नाम से भी जाना जाता है। होता क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, विदेशी व्यापार जो है उसमें संतुलन या विदेशी भुगतान संतुलन, ये होता क्या है? इसको दो तीन नामों से मिक्सअप करके बोला जा सकता है, ठीक है? तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको स्टडी आउट करने से पहले, बिकॉज आपको ये पता है कि फॉरेन ट्रेड क्या है, विदेशी व्यापार क्या है, वो आप पढ़ चुके हो। अब भुगतान शेष जो है, ये भी जिसको विदेशी व्यापार का सारा इंट्रोडक्शन सब कुछ स्टडी आउट कर चुके हो, पता है, वही इसको क्लैरिफाई अच्छे से कर सकता है। तो क्या आप में से कोई बताएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है अपने व्यूज में? नो कोई डेफिनेशन, नो कोटेशन? यस बेटा, मैम, जो फॉरिन कंट्री हैं उनके साथ जो भी गुड्स का सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसको उसकी जो रिटर्न फॉर्म होते हैं मैम उसको भी ओपी बोला जाता है अगेन रिपीट करें बेटा एक बार। मैम। विदेशों के साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं और जो सर्विसेज हैं और जो कैपिटल का लेन देन होता है उनकी एक रिटर्न फॉर्म होती है हमारे पास, उस रिटर्न फॉर्म को बीओपी बोला जाता है। ओके, ठीक है। बेसिकली हम क्या कहेंगे, भुगतान शेष या भुगतान संतुलन का संबंध जो है किसी देश के विशेष द्वारा संसार के अन्य देशों के साथ किए गए आर्थिक लेन देन और व्यवहारों के लेखांकन से है। यानी बेसिकली क्या है, जो आप अन्य कंट्रीज के साथ इकोनॉमिकली लेन देन कर रहे हो, जो भी आर्थिक आपका लेन देन है उसका जो लेखांकन है, दैट इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है? और इसके अंतर्गत तीन प्रकार की मदें आती हैं। पहली आती है दृश्य मदे, अदृश्य मदे, मदे यानी विजिबल आइटम्स होते हैं, इनविजिबल आइटम्स होते हैं, और थर्ड वन इज पूंजी अंतरण, ठीक है, यानी कैपिटल ट्रांसफर्स। ये तीन प्रकार की जो मदे हैं, हम इनको इसके अंतर्गत स्टडी आउट करते हैं। फिर आती है बेटा इसकी कोटेशन। कोई भी जो आपको बेस्ट ऑथर की इकोनॉमिक्स की कोटेशन लगे, वो यहाँ आप यहाँ पे शॉर्ट आउट कर लोगे। जैसे मैं फर्स्ट ही उठा लेती हूँ, जो किल्डनबर्ग्स थे वो कहते हैं, एक देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों और विदेशियों के बीच किए गए सभी आर्थिक सौदों का क्रम है। इट मीन्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। कैसा रिकॉर्ड है? जो एक ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को शॉर्ट आउट करता है, दिखाता है बिटवीन इट्स रेजिडेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज, ठीक है? यानी जो आपके देश के निवासी हो या विदेशी हो, उन दोनों के बीच जो हस्तांतरण किया जाता है, जो सौदा होता है, उसको शॉर्ट आउट करता है। इज इट क्लियर? यस मैम, यस मैम। ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑथर्स ने, इकोनॉमिक्स ने अपनी अपनी कोटेशन दी है, बेहम ने अपना अलग व्यू दिया है। बेहम कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ रिकॉर्ड, एक ऐसा रिकॉर्ड है ऑफ द मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है? ये पूरी कंट्री को इंक्लूड करके लेके चलता है इसके अंतर्गत। ऐसे ही और हैं, सॉस्ट्रन है। आपको जो भी इनमें बेस्ट कोटेशन लगे, कोई भी एक या दो कोटेशन आप इसमें प्रिपेयर कर लें बेटा। देन आता है भुगतान शेष या भुगतान संतुलन जो है उसकी फीचर्स क्या हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की फीचर्स क्या हैं, कैसी उसकी विशेषताएं होनी चाहिए या हैं। फर्स्ट आता है क्रमबद्ध लेखा है, यानी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है बेटा। अगर कोई काम प्रॉपरली नहीं होगा, उसको प्रॉपरली मैनेज करके अगर आप उसको आगे नहीं करोगे तो शॉर्ट आउट नहीं होगा, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो फर्स्ट चीज है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। फिर इसमें जो टाइम पीरियड दिया गया है वो भी फिक्स टाइम पीरियड दिया गया है, निश्चित समय अवधि है, और वो टाइम पीरियड कितना होता है, एक वर्ष का होता है बेटा, 1 ईयर, 1 ईयर का सारा रिकॉर्ड होता है इसमें। फिर है व्यापकता है इसमें, उसके बाद आप बता सकते हो कि इसके अंतर्गत और क्या आता है।
दोहरी लेखा प्रणाली है, यानी डबल एंट्री सिस्टम भी है इसमें। दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पे बेटा भुगतान संतुलन के जो भी प्राप्तियां जो भी होती हैं उन सबका रिकॉर्ड रखा जाता है इसके अंतर्गत। फिर एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस हैं उन सबका एडजस्टमेंट भी इसी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। यानी वो सेफली बैलेंस्ड है या सेल्फ बैलेंस्ड है, कैसा है, वो सारी एडजस्टमेंट भी इसके अंतर्गत की जाती है। तो ये कुछ इसकी बेसिक फीचर्स बताई गई हैं। लास्ट वन इज सभी सरकारी और गैर सरकारी मदद, यानी ऑल गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, वो सभी आइटम्स जो हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं, यानी वो सभी मदें भी इसके अंतर्गत इंक्लूड होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वन आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन है क्या, ओके, इसकी कोटेशन और देन इसकी फीचर्स। इज इट क्लियर? यस मैम। देन आगे कंटिन्यू करूं? यस मैम। ओके, देन अब आपको जब बैलेंस ऑफ पेमेंट पता है तो उसके साथ साथ आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड का भी पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार क्या होता है। संतुलित ये तो पढ़ लिया आपने, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बैलेंस ऑफ व्यापार भी, ट्रेड भी आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। और उसका मतलब क्या है, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं उनका जो आयात और निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के जो मूल्य हैं, प्राइसेस हैं, उनमें जो कुल अंतर है, बैलेंस ऑफ डिफरेंस जो दिखाता है, दैट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओके। इसमें भी कोटेशंस दी हैं, जैसे बेहमी कहता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज अ डिफरेंस पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन द वैल्यू ऑफ हर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ फिजिकल गुड्स। इज इट क्लियर? एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसको। किसी देश का व्यापार संतुलन जो है वो एक दिए गए समय यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा बेटा, में भौतिक वस्तुओं के आयात और निर्यात के मूल्यों का अंतर है, डिफरेंस शॉर्ट आउट करता है, ठीक है। व्यापार शेष जो है वो तीन प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट वन इज जो है सरप्लस या फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके। सेकेंड वन इज, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बचत का व्यापार शेष। सेकेंड वन इज घाटे का व्यापार शेष जो है, यानी डेफिसिट में जाए या अनफेवरेबल हो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका। और थर्ड वन इज संतुलित व्यापार शेष, यानी इक्विबियम में जब आपका हो, इक्विबियम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बेटा देन आपको इसके डिफरेंट ट्रेंड्स पता होना चाहिए और उनके थ्रू ही आप बता सकते हो कि आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड कौन कौन से ईयर्स में सरप्लस में था या डेफिसिट में था या इक्विबियम में था, वो किससे क्लैरिफाई होगा? यस बेटा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ना। या और उसका डाटा किससे क्लैरिफाई होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड के डाटा ऑल ओवर से, यानी कितना आयात हुआ, कितना निर्यात हुआ, इन सब का जो सारा ट्रेंड है, वो ट्रेंड ऑफ वैल्यूज जो होंगी उनसे हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेंड वैल्यूज है इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनके थ्रू आप बता सकते हो। जैसे ये टेबल में शॉर्ट आउट कर रही हूँ, ये जो टेबल है इसमें वैल्यूज करोड्स में दी गई है और डिफरेंट टाइम पीरियड में प्लानिंग में शॉर्ट आउट किया गया है। 1990-91 में क्या था, देन 2000-2001 का, इस तरह से डिफरेंट टाइम पीरियड में डाटा दिया गया है, ठीक है। तो आप उससे क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आपके जो सिलेबस में टॉपिक है बेटा, बेसिकली वो टॉपिक का नेम है प्रॉब्लम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी जो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, क्यों आती हैं या किस प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो उन चीजों को स्टडी आउट करने से पहले आपको मैंने स्टडी आउट कराना है कि ये चीज होती क्या, यानी व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिनेशंस, फीचर्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दोनों में डिफरेंस भी पता होना चाहिए, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसके यहाँ पे दिए गए हैं जो आप स्टडी आउट करेंगे। देन इसका स्ट्रक्चर या फॉर्म्स भी बताए गए हैं, ये आपने स्टडी आउट किया हुआ है। करंट अकाउंट होता है इसमें,
कैपिटल अकाउंट होता है और इसको हम कैसे निकालते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर करंट अकाउंट का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, विजिबल प्लस अनविजिबल एक्सपोर्ट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे विजिबल प्लस इनविजिबल इंपोर्ट्स को, ठीक है। यानी निर्यातों में से आयातों को निकालोगे तो भुगतान संतुलन निकलाता है ना, तो इसमें हम विजिबल और अनविजिबल भी साथ साथ शॉर्ट आउट करते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। कैपिटल अकाउंट है, फिर ऑल ओवर बैलेंस ऑफ पेमेंट है। ये वो बेसिक चीजें हैं जो आप पहले भी स्टडी आउट कर चुके हो। ऑल ओवर बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान शेष निकालने के लिए आप क्या करोगे, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात तथा पूंजी प्राप्तियां जो हो रही हैं उनमें से आप उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और पूंजीगत भुगतान जो कर रहे हो उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। यानी प्राप्तियों में से भुगतान निकाल लोगे तो भुगतान शेष निकल आएगा, इन शॉर्ट में। क्लियर है? यस मैम। देन जो टॉपिक आपका यहाँ पे सिलेबस में आएगा, डिसइक्विलिब्रियम इन अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी असंतुलन क्यों उत्पन्न होता है, असंतुलन कब उत्पन्न होगा ये भी आपको पता है। कब होगा, या तो जब आपके क्या हो जाएंगे, आयात ज्यादा हो जाएंगे, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा ना। अब इसमें शॉर्ट किया गया है, फर्स्ट अनुकूल या बचत का भुगतान शेष कैसा होना चाहिए, या तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा फिर वही डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान शेष में असंतुलन, इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी आप इसमें जस्ट स्टडी आउट कर लेना। ये सारी करंट अकाउंट की बैलेंस इनकी सबकी शॉर्ट आउट की गई है। हमारा आपने जो शॉर्ट आउट करनी है वो ये है, यहाँ से भुगतान बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें क्राइसिस यानी प्रॉब्लम्स कैसे आए, क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शॉर्ट आउट किया गया है बेटा, 1980s and 81 में भुगतान संतुलन का घाटा जो है वो बढ़ा, और वो डाटा यहाँ पे शॉर्ट आउट किया गया है कि भुगतान संतुलन के जो चालू यानी करंट अकाउंट्स जो थे उसमें इतने करोड़ रुपीस, आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है साथ साथ, इतने करोड़ यस मैम था, जो कर की जो आगे बढ़कर कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। ये जो डाटा है ये आपको अपने क्वेश्चंस में भी शॉर्ट आउट करना है साथ साथ। जीडीपी का कितना रहा, जीडीपी कितने प्रतिशत हो गया, 2.4% हो गया, ठीक है। 81 से टाइम पीरियड इज 91, ये जो टाइम पीरियड है इसके अंतर्गत, ठीक है। कॉजेस क्या रहे इसके, फिर आ जाते हैं इसके कारण, इसके कारण क्या है, क्यों ये असंतुलन में हुआ, प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हुई। तो फर्स्ट आता है मशीनों का आयात, यानी आपका जो ऑल ओवर बेटा स्टार्टिंग का जितना बताया है वो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपके जो सिलेबस में पर्टिकुलर टॉपिक है वो प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग है, प्रॉब्लम क्यों हुई, क्या कारण थे और उसके लिए सॉल्यूशंस या उपाय आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मशीनों का आयात। बेटा बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लेना मशीनों का, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर आता है इंपोर्ट्स ऑफ वॉर इक्विपमेंट्स, जो युद्ध की सामग्री होती हैं उनका भी बहुत ज़्यादा आयात करना। उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक मांग, कंज्यूमर जो गुड्स हैं उनकी मोर डिमांड, ये वो सारे रीजंस हैं। इनमें से कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगता है तो मैं उसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। आई थिंक टू दी पॉइंट्स यहाँ पे ये सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। फिर प्राइस डिसइक्विलिब्रियम, कीमतों में टाइम, अब आपको पता है एक समय में कीमतें फिक्स तो नहीं रहेंगी, हर साल कीमतों में अप एंड डाउन चलता रहता है और 90-95% अप ही होती हैं प्राइसेस। विदेशों से दूतावास का खर्चा, ये भी है जो हर साल हमारा बढ़ता ही जा रहा है। विदेशी प्रतियोगिता यानी कंपटीशन जो है वो भी हमारा इंक्रीज हो रहा है दूसरे उनसे। कच्चे तेल के उपभोग और कीमतों में वृद्धि है। विदेशी ऋणों का ब्याज पर भुगतान, निर्यात में कमी होना और आयातों में क्या होना, वृद्धि होना, ठीक है। ये सारे रीजंस दिए गए हैं 10 से 12, आपको कोई भी जो बेस्ट 10 लगे वो आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे।
देन इसमें सजेशंस यानी उपाय भी शॉर्ट आउट किए गए हैं, ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सजेशंस क्या हैं, उपाय क्या हैं। तो सबसे पहला सजेशंस तो आप सभी को पता है क्या है कि आप एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करो बेटा, निर्यातों को प्रोत्साहित करोगे तो उतना ही वो पक्ष में हो जाएगा, संतुलन में हो जाएगा। उत्पादन में भी वृद्धि करो, उन चीजों का प्रोडक्शन करो जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है और जिनको हम बाहर भी एक्सपोर्ट भी कर सकें। नेक्स्ट वन इज व्यापार समझौते, जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं WTO के साथ, टाइम टू टाइम पीरियड जो हमारे गैट और इनके रिगार्डिंग होते हैं, वो भी उनमें भी इम्प्रूवमेंट करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन MNCs वगैरह हमारे यहाँ आके व्यापार करें। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिले, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या इन्वेस्टमेंट करें हमारे यहाँ पे आके, उससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। विदेशी पर्यटक जो हैं, फॉरेन टूरिस्ट जो होते हैं, उनको भी आकर्षित करना। भारतीय मुद्रा का अवमूलन, यानी इसको भी आप जो इंडियन करेंसी है उसका भी अवमूलन करके इम्प्रूव कर सकते हो। फिर बेटा ये इसी तरह से कुछ और रीजंस दिए गए हैं, अनावश्यक आयातों पर रोक लगानी चाहिए, यानी उन्हीं चीज़ों का आयात करना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट हो, ज़रूरी हो। ये नहीं है कि हमें वहाँ की चीज़ें पसंद हैं इसलिए हम उन चीज़ों का इम्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आयात प्रतिस्थापन होना चाहिए, सब्सिट्यूशन होना चाहिए इम्पोर्ट्स पे। इसी तरह से और बहुत सारे रीजंस हैं जिनके थ्रू इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो आज आप इस टॉपिक को स्टडी आउट करोगे और नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या करना है।